गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हम समाकलन के बारे में पढ़ेंगे। इंटीग्रल समाकलन को प्रति अवकलज भी कहते हैं क्योंकि ये अवकलन का इनवर्स है। ठीक है, कुछ समाकलन के कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट सूत्रों के बारे में पढ़ेंगे, फॉर्मूलेज। पहला फॉर्मूला है समाकलन कॉन्स्टेंट, सी क्या है कॉन्स्टेंट, इसका अक्ष के सापेक्ष समाकलन क्या होगा, जिसके सापेक्ष कर रहे हैं अक्ष के सापेक्ष कर रहे हैं तो अक्ष, वाई के सापेक्ष करेंगे तो वाई, तो कोस्टेंट का क्या होगा अक्ष, प्लस और कोस्टेंट तो सी वन। दो नंबर, अक्ष की पावर एन इंटू डी एक्स, अक्ष क्या है वेरिएबल फंक्शन, एन क्या है कॉन्स्टेंट, इसका समाकलन क्या होगा अक्स की पावर एन प्लस वन बट्टा एन प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट सी। तीन नंबर फॉर्मूला, ई की पावर एक्स, इसका समाकलन ई की पावर एक्स का अक्स के सापेक्ष समाकलन क्या होगा, ई की पावर एक्स प्लस सी। e की पावर x का समाकलन हो चाहे अवकलन हो, e की पावर x होता है। चार नंबर, समाकलन साइन x dx के सापेक्ष, तो साइन x का समाकलन क्या होता है माइनस कोस x प्लस सी। पांच नंबर फॉर्मूला, समाकलन कोस x का dx के सापेक्ष, कोस x का समाकलन क्या होता है साइन x प्लस सी। छह नंबर फॉर्मूला, समाकलन शेक स्क्वायर x dx के सापेक्ष, शेक स्क्वायर x का समाकलन होता है टेन x प्लस सी। समाकलन sec x इंटू टेन एक्स, इसका डी एक्स के सापेक्ष क्या होता है sec x प्लस सी। ठीक है, आठ नंबर फॉर्मूला, साइन कोस समाकलन कोसेक स्क्वायर एक्स, इसका समाकलन होता है माइनस कोट एक्स प्लस सी। ठीक है, ये आठ इंपॉर्टेंट समाकलन के फॉर्मूले हैं। सी कोस्टेंट, कोस्टेंट का एक्स के सापेक्ष समाकलन क्या होगा, जिसके सापेक्ष समाकलन होगी तो एक्स के सापेक्ष है तो एक्स प्लस सी वन, ये भी क्या है कोस्टेंट। एक्स की पावर एन, इसका समाकलन एक्स की पावर ऊपर एन है एन प्लस वन बट्टे एन प्लस वन। ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स प्लस सी, साइन एक्स का समाकलन माइनस कोस एक्स, कोस एक्स का साइन एक्स प्लस सी, सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स का सेक एक्स प्लस सी, कोसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कोट एक्स प्लस सी। कुछ और भी है लेकिन पहले इनके बेस पर क्वेश्चन करते हैं। तो आज हम 7.1 कक्षा 12 का चैप्टर 7.1 स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है साइन 2x का समाकलन करना है x के सापेक्ष, साइन 2x का समाकलन करना है x के सापेक्ष। तो यहाँ पे देखो साइन x का फॉर्मूला होता है माइनस कोस x, तो साइन का क्या हो जाएगा माइनस कोस x के स्थान पे क्या है 2x। अब यहाँ पे देखो x का कोफिशियंट क्या है, यानी x का गुणांक क्या है 2, तो वो अपॉन में 2, जो भी x का गुणांक होगा वो समाकलन में बट्टा में आता है और अवकलन में गुणा में आता है प्लस c बिग कॉन्स्टेंट। तो साइन 2x का समाकलन साइन का हो गया माइनस कोस 2x और 2x का समाकलन क्या हो गया अपॉन 2। सेकेंड नंबर देखो कोस 3x, इसका समाकलन करना में x के सापेक्ष,
कोस 3x। देखो कोस x का होता है साइन x प्लस सी, तो कोस का क्या हो गया साइन x के स्थान पे क्या है 3x, 3x। अब क्या करेंगे x का करेंगे तो 3x, तो 3x का कोफिशिएंट क्या है गुणा क्या है 3 बट्टा में 3 प्लस सी। तीन नंबर देखो समाकलन e की पावर 2x का dx के साथ, e की पावर 2x यानी e की पावर x का समाकलन क्या होता है e की पावर x प्लस सी, तो इसका क्या हो गया e की पावर x के स्थान पे क्या है 2x, और 2x का कोफिशिएंट क्या है 2 अपॉन में 2 प्लस सी। ठीक है देखो आगे चार नंबर है ए एक्स प्लस बी का स्क्वायर, इसका समाकलन करना है एक्स के साथ, तो ये क्या एक फंक्शन है। ठीक है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा एक्स की पावर एन, तो ये तो हो गया पूरा एक्स, एक्स की पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन ए एक्स प्लस बी, ये तो गया एक्स के स्थान पे और एन के स्थान पे क्या है दो, तो एन प्लस वन दो प्लस एक बट्टा दो प्लस एक, ये तो गया इस फंक्शन का। अब देखो एक्स का कोफिशिएंट क्या है ए, तो ये क्या जाएगा अपॉन में प्लस सी कोस टेन, क्या आ गया इसका हम ए एक्स प्लस बी की पावर तीन बट्टा थ्री ए प्लस सी। ठीक है पांच नंबर देखो साइन टू एक्स माइनस फोर ए की पावर थ्री एक्स, इसका समाकलन करना है एक्स के सापेक्ष, तो देखो ये पूरा फंक्शन है, इसको हम पहले तो अलग अलग टुकड़ों में तोड़ेंगे, तो साइन टू एक्स का समाकलन करेंगे एक्स के सापेक्ष माइनस फोर ए की पावर थ्री एक्स, इसका समाकलन करेंगे एक्स के सापेक्ष, तो ये तो हो गया साइन एक्स का, साइन एक्स का क्या होता है माइनस कोस एक्स प्लस सी, इसका क्या हो गया माइनस कोस टू एक्स, और x का कोफिशिएंट क्या है दो ये अपॉन में माइनस फोर क्या है कोस्टेंट, तो कोस्टेंट का क्या होता है कोस्टेंट ये बाहर आ जाएगा e की पावर x, e की पावर x का क्या होगा e की पावर x का e की पावर x होता है पहले इसको ऐसे लिख लूं e की पावर थ्री एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है अब इसको अलग करो, ये तो गया माइनस कोस टू एक्स अपॉन में टू माइनस फोर ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स, और एक्स का कोफिशिएंट क्या है तीन ये अपॉन में थ्री प्लस सी, याद है आगे देखो क्वेश्चन नंबर छः है फोर ई की पावर थ्री एक्स प्लस वन, इसका समाकलन करना है हमें एक्स के सापेक्ष, तो पहले ये पूरा फंक्शन है इसको अलग अलग टुकड़ों में तोड़ेंगे, फोर ई की पावर थ्री एक्स इसका समाकलन करेंगे एक्स के सापेक्ष प्लस वन इंटू डी एक्स, वन का समाकलन करेंगे एक्स के सापेक्ष। देखो फोर ये क्या है कोस्टेंट, ये तो बाहर आ गया, e की पावर x का समाकलन क्या होता है e की पावर x प्लस सी, तो e की पावर x x का कोफिशिएंट क्या है थ्री अपॉन में थ्री प्लस x क्या है कोस्टेंट, कोस्टेंट का x के सापेक्ष समाकलन हो रहा है, तो कोस्टेंट का x के सापेक्ष समाकलन हो गया होगा x प्लस कोस्टेंट,
तो x के सापेक्ष हो रहा है तो x प्लस cos tan, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, एक बार फिर से देख लो इसको, 4e की पावर 3x प्लस 1, इसका समाकलन करना है x के सापेक्ष। तो पहले इनको अलग अलग टुकड़ों में तोड़ेंगे, तो 4e की पावर 3x इसका समाकलन x के सापेक्ष, 1 into dx इसका समाकलन x के सापेक्ष। तो ये 4 तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ जाएगा, e की पावर x का समाकलन होता है e की पावर x और 3x, x का कोफिशिएंट क्या है 3, तो ये 3 अपॉन में आ जाएगा, प्लस कांस्टेंट का x के सापेक्ष तो x प्लस कांस्टेंट। सात नंबर देखो, x स्क्वायर cos tan 1 minus 1 upon x square, इसका समाकलन करना है x के सापेक्ष। तो पहले तो इस x square को अंदर वाली संख्या से मल्टीप्लाई करो, समाकलन x square minus x square को 1 upon x square से गुणा करेंगे तो ये आपसे कट जाएगा minus 1, इसका समाकलन करना है x के सापेक्ष। अब इसको क्या करेंगे हम, अलग अलग टुकड़ों में तोड़ेंगे, तो x square इसका समाकलन माइनस वन का समाकलन करेंगे x के सापेक्ष, x की पावर n का फॉर्मूला, x की पावर n का क्या होता है, x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, तो x की पावर 3 नहीं 2 प्लस वन अपॉन 2 प्लस वन माइनस x के, वन क्या है यहाँ पे कॉन्स्टेंट, तो कॉन्स्टेंट का x के सापेक्ष क्या होगा x प्लस कॉन्स्टेंट। तो ये फॉर्मूला क्या आ गया देखो, इनका मान क्या आ गया, x की पावर 3 अपॉन 3 माइनस x प्लस, ठीक है। एक बार फिर से देख लो, x स्क्वायर कोष्टक 1 माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, इसका समाकलन करना है x के सापेक्ष, तो x स्क्वायर को अंदर वाली संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे, तो x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन x स्क्वायर, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, x स्क्वायर माइनस 1 बचा, इसका समाकलन करना। अभी एक पूरा प्लान है, इसको हम अलग अलग टुकड़ों में तोड़ेंगे, तो पहले x स्क्वायर का समाकलन करेंगे x के सापेक्ष, माइनस 1 का समाकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो x ये तो हो गया x की पावर n का समाकलन, x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 माइनस x प्लस c। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, समाकलन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका समाकलन करना है एक्स के सापेक्ष, यह क्या है पॉलीनोमियल है बहुपद, इसका समाकलन पहले इनको अलग अलग टुकड़ों में तोड़ेंगे, तो समाकलन ए एक्स स्क्वायर इसका समाकलन करेंगे डी एक्स के सापेक्ष, प्लस बी एक्स इसका समाकलन एक्स के सापेक्ष, प्लस समाकलन सी डी एक्स इसका समाकलन करो पहले, ए तो कॉन्स्टेंट है ये तो ऐसा कैसा, एक्स की पावर एन का समाकलन क्या होता है एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, तो एक्स की पावर एन के स्थान पे टू प्लस वन अपॉन टू प्लस वन प्लस बी कॉन्स्टेंट है ये बाहर आ जाएगा, एक्स की पावर कुछ नहीं है मतलब वन है, एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन तो एक्स की पावर वन प्लस वन अपॉन वन प्लस वन प्लस सी कोस्टेंट, कोस्टेंट का एक्स के सापेक्ष समाकलन करते हैं एक्स प्लस सी, तो एक्स प्लस सी कोस्टेंट क्या गया, ए एक्स की पावर तीन बटा तीन प्लस बी एक्स स्क्वायर बटा दो प्लस एक्स प्लस सी, सी तो आएगा ही सी एक्स, यहाँ पे सी वन करता हूँ प्लस सी, सी तो कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ गया, ठीक है, और फिर एक्स के साथ करेंगे तो एक्स आ गया, अभी देखो समाकलन टू
एक्स स्क्वायर प्लस ई की पावर एक्स, इसका समाकलन करना है हमें एक्स के सापेक्ष। तो ये पूरा फलन है, इसको पहले अलग टुकड़ों में तोड़ेंगे, टू एक्स स्क्वायर इसका समाकलन करेंगे हम एक्स के सापेक्ष प्लस ई की पावर एक्स इसका समाकलन करेंगे हम एक्स के सापेक्ष। टू कॉन्स्टेंट एक बार आ गया, एक्स की पावर एन का समाकलन एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, एक्स टू प्लस वन अपॉन टू प्लस वन प्लस ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स प्लस सी, ये आ गया टू इंटू एक्स की पावर थ्री अपॉन थ्री प्लस ई की पावर एक्स प्लस सी, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है अंडर रूट एक्स माइनस वन अपॉन अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर, इसका समाकलन करना है एक्स के साथ। तो ये फॉर्मूला आ गया ए इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ये फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला इसमें काम करेगा, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर, ए भी क्या अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर समाकलन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये क्या पूरा बी है वन अपॉन अंडर रूट एक्स, वन अपॉन अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर माइनस माइनस टू ए बी, टू ए क्या है अंडर रूट एक्स इंटू बी क्या है वन अपॉन अंडर रूट एक्स, इसका समाकलन डी एक्स के सापेक्ष। देखो अंडर रूट एक्स कैंसिल, समाकलन एक्स अंडर रूट इसकी पावर है तो इसको क्या लिख सकते हैं एक्स अंडर रूट को एक बट्टा दो का होल स्क्वायर प्लस इसको भी क्या वन अपॉन एक्स की पावर एक बट्टा दो का होल स्क्वायर माइनस टू, इसका समाकलन एक्स के सापेक्ष। तो ये क्या हो गया एक्स की पावर एक बट्टा दो की पावर दो, तो क्या हो गया टू से टू कैंसिल, बचा क्या समाकलन एक्स प्लस यहाँ भी ये होगा ये दो कैंसिल, क्या बचा वन अपॉन एक्स माइनस टू, इसका समाकलन, ठीक है। अब देखो एक्स की पावर एक, एक्स की पावर एन का फॉर्मूला, एक्स की पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, तो क्या हो गया एक्स की पावर एन वन प्लस वन अपॉन वन प्लस वन प्लस वन अपॉन एक्स, एक फॉर्मूला और देखो यहाँ पे देखो फॉर्मूला होता है वन अपॉन एक्स, इसका समाकलन क्या होता है वन अपॉन एक्स का समाकलन होता है लॉग एक्स मापांक प्लस सी, वन अपॉन एक्स का समाकलन होता है लॉग मापांक एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे क्या हो गया लॉग मापांक एक्स माइनस, ये क्या है कोस्टेंट, तो इसका क्या होगा एक्स के सापेक्ष करें तो एक्स प्लस सी कोस्टेंट। एक बार दोबारा देखो उसको, ये फॉर्मूला हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ठीक है। तो यहाँ ए के स्थान पर क्या अंडर रूट एक्स, बी के स्थान पर क्या वन अपॉन अंडर रूट एक्स, तो क्या हो गया अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर प्लस वन अपॉन अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर माइनस टू अंडर रूट एक्स इंटू वन अपॉन अंडर रूट एक्स, ये फॉर्मूला काम गया है यहाँ, ठीक है। अब देखो अंडर रूट एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं एक्स की पावर वन अपॉन टू, ये तो लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स को अपॉन में टू हो रहा है ये टू आ गया, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं वन अपॉन अंडर रूट एक्स को लिख सकते हैं एक्स की पावर एक बटा दो और ये की पावर दो है माइनस टू, अंडर रूट एक्स से अंडर रूट एक्स कैंसिल हो गया,
अब क्या बचा यहां पे x, यहां पे बचा 1 upon x minus 2। अब इसको भी हम अब इसका समाकलन करेंगे, तो ये क्या दिख रहा है x की पावर n का समाकलन, यहां 1 है कुछ भी नहीं है 1 है, x की पावर n, x की पावर n का फॉर्मूला होता है n plus 1 upon n plus 1, तो x की पावर n के स्थान पे 1 plus 1 upon 1 plus 1, 1 upon x, 1 upon x का समाकलन क्या होता है log x plus c, तो यहां पे आ गया 1 upon x स्थान पे log x minus 2, 2 को किसके स्थान पे कर रहे हैं समाकलन x के स्थान पे कर रहे हैं, तो क्या हो गया 2 तो कांस्टेंट ये बाहर आ गया और dx की सापेक्ष कर रहे हैं तो x plus cos 10। ठीक है, धन्यवाद, अब हम अगले वीडियो में करेंगे।